हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आशा है ज्यादा डरावना नहीं लगा होगा आप सबको। दोस्तों, आज हम बात करने वाले कुछ हमारे देश की ऐसी भूतिया जगह की, जहाँ पे माना जाता है कि भूत पिशाच आज भी वहाँ पे निवास करते हैं। क्या आपने कभी देखा है भूत भूत पिशाच तो प्लीज मैसेज बॉक्स में जरूर लिख के सबको बताएं। और अगर आप विश्वास करते हैं भूत प्रेत पिशाच पे दोस्तों, तो भी ये वीडियो देखिए, और नहीं करते तो भी देखिए। देखिए, दिल दहलाने वाली सबसे ज्यादा भारत की कुछ ऐसी डरावनी जगहों के बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। दोस्तों, बच के रहिएगा। जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझे भी डर लग रहा है। दोस्तों, बहुत पहले से ही भारत में हजारों लोग भूत पिशाच पे विश्वास करते हैं। और वैसे भी जब भी आप ऐसी जगह जाते हैं तो वहां जाकर डर तो लगता ही है, जैसे कोई पीछे से आवाज दे रहा है या अचानक आपके कान के पीछे से हवा निकल गई हो। हम लोग बचपन से इन जगहों के बारे में खुस खुस करके बहुत सारी बातें सहेलियों के साथ और भी दोस्तों के साथ करते रहते थे। डरावनी कहानियां सुन सुन के डरते थे, डार्क रूम खेलते थे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसी जगहों के बारे में हमारे देश में, जिनको सुनकर आप दंग रह जाने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इस लिस्ट में भानगढ़ के किले की। दोस्तों, राजस्थान के अलवर जिले का भानगढ़ भारत का सबसे कुख्यात भूतिया जिले के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे अपने आप में रहस्य हैं ढेर सारे। 17वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह ने बनवाया था इसको, और माना जाता है कि इस महल में आत्माओं का वास है। दोस्तों, 17वीं शताब्दी में एक जादूगर था, वहाँ की राजकुमारी रत्नावती पर मोहित हो गया था और उसने राजकुमारी पर कल जादू चलाया था, लेकिन जादू अपना प्रभाव न कर सका। उल्टा उसी की जादू से उस जादूगर की मौत हो गई, लेकिन मरते मरते तांत्रिक भानगढ़ के विनाश का शाप दे गया। कहा जाता है ये इलाका एक ही रात में बर्बाद हो जाएगा और यहाँ के लोगों की आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। और हुआ भी ऐसा ही। यहाँ के मंदिरों को छोड़कर ये इलाका एक ही रात में बर्बाद हो गया। उसके बाद ये किला खंडहर में तब्दील हो गया और अब उनमें चलता है वहाँ भूतों का राज। यही कारण है कि आज तक महल में आत्माएं भटकती रहती है। दोस्तों, इसके अलावा भी हम बात करेंगे हैदराबाद की। हैदराबाद में रामूजी फिल्म सिटी है, काफी बड़ी फिल्म सिटी है माना जाता है। ये जगह निजाम सुल्तान द्वारा शापित है कि जो भी आदमी वहां रात की लाइट में ऊंचाई पर काम कर रहा होता है, उस पर कई बार धक्का देने का प्रयास किया गया है। कमरे में इधर उधर खाना बिखरा हुआ देखा गया है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि वहां पर भूतिया निवास है। शीशे पर उर्दू में निजाम के द्वारा कुछ लिखा हुआ पाया गया है जो निजाम ने ही कहा था। लड़कियों के भूत के द्वारा सताया जाता है, कपड़े भिगो दिए जाते हैं, बाथरूम का दरवाजा खटखटाया जाता है। जब मुख्य दरवाजा बंद होता है, बहुत प्रयत्न किए गए इस तरह के कार्यों को रोकने की, लेकिन वो प्रभावी नहीं हुए। आज भी वहां निजाम की आत्मा भटकती है। दोस्तों, बात करेंगे हम डूमस बीच की। दोस्तों, गुजरात में है डूमस बीच। अपनी काली बालू एवं रहस्यमय घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यहाँ आने वाले पर्यटक तरह तरह की आवाज सुनते हैं, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता है। आवाजें कहती है कि जहां से आए हैं वहीं लौट जाओ। आधी रात में टहलते हुए इसे अनुभव किया जा सकता है। दोस्तों, जो लोग बीच पर रात में घूमने गए,
वो कभी वहां से लौट कर ही नहीं आए। तो दोस्तों, अगर आप प्लान कर रहे हैं गुजरात के ड्यूमस बीच जाने की, तो बहुत सोच समझ कर जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हम कलकत्ता की। कलकत्ता में एक जगह है, वहाँ एक पार्क है दोस्तों, जिसे साउथ पार्क सिमेट्री कहते हैं। कोलकाता के इस पार्क का भ्रमण जिस भी व्यक्ति ने किया, ऐसा माना जाता है दोस्तों कि वहाँ पे दिल दहलाने वाली चीजें देखने में आई। सुनने में आया कि दोस्तों के एक समूह ने यहाँ के चित्र उतारे थे, तब से उनके साथ अजब गजब वाकये होने लगे हैं। एक की मृत्यु दमा से हुई, जबकि उसे दमा की कभी कोई समस्या ही नहीं थी। दोस्तों, बात करेंगे हम आज लोथियन कब्रिस्तान की। दोस्तों, दिल्ली में है कश्मीरी गेट। दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास स्थित है दोस्तों ये कब्रिस्तान। और ऐसा माना जाता है कि वहां से भयानक भयानक आवाजें आती है, दिल दहलाने वाली आवाजें आती है। 200 साल से अधिक पुराना है ये जगह। ब्रिटिश सिपाही निकोलस से शापित है। यहाँ से काफी जीवित व्यक्ति गायब हो चुके हैं। माना जाता है इसमें से एक अंग्रेज सैनिक सर निकोलस की रूह आज भी भटकती है, जो एक भारतीय महिला से प्रेम करता था, लेकिन अपनी प्रेमिका द्वारा ठुकराए जाने पर उसने अपना सिर काट लिया था। और तब से हर अमावस्या के दिन उस सिपाही का भूत इस स्थान पर टहलता है। दोस्तों, राजस्थान तो जैसे भूतों का ही देश है। दोस्तों, राजस्थान में एक और जगह है जिसका नाम है कुलधारा राजस्थान। दोस्तों, इस स्थान के बारे में 1820 में स्थानीय लोगों से पता चला कि ये रहस्यमयी और बेकार है। कहते हैं कि यहाँ रुकने पर व्यक्ति गायब हो जाता है, और ऐसा कई बार हुआ भी है। एक बार एक मंत्री कुलधारा गांव की एक सुंदर लड़की से शादी करना चाहता था। तब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया, तो मंत्री ने लगान दुगुना कर दिया, जिससे गांव वालों ने वह जगह छोड़ दी। और तब से वहां कोई नहीं रहता। जो भी रहता है वहां पे दोस्तों, बोला जाता है वो मर जाता है। दोस्तों, पुणे का शनिवार वाड़ा आपने सुना ही होगा, बहुत ही भयानक जगह है। इस जगह पर अप्राकृतिक चीजें रात होते ही घटित होने लगती है। इस महल में एक छोटा राजकुमार अपने किसी स्वामीपी के द्वारा मार दिया गया था, और उस वक्त वो मदद के लिए अपने चाचा को पुकार रहा था। दोस्तों, ये दिल दहला देने वाली आवाजें अब भी सुनी जा सकती है। बहुत ही भयानक आवाजें हैं दोस्तों, और ये आज भी रात में सुनी जाती है। आवाज कहती है रात में जोर जोर से, मुझे बचाओ चाचा, मुझे बचाओ, चाचा की आवाजें आती है। दोस्तों, बहुत ही भयानक है शनिवार वाड़ा पुणे का। दोस्तों, अगर आपको पता होगा तो बाजीराव मस्तानी की शूटिंग भी यहीं हुई है। इसके अलावा दोस्तों, एक और जगह है दिल्ली में, जहां पर माना जाता है आत्माएं घूमती रहती है। एक औरत इस जगह पर, दिल्ली कैंट में इस जगह पर लोगों ने देखा है कि एक महिला लोगों से लिफ्ट मांगती है, और यदि वो गुजर जाते हैं तो महिला उनका कार की स्पीड से पीछा करती है। ये डरावना अनुभव बहुत से लोगों से हुआ है दोस्तों, और लोग बहुत ज्यादा डरते हैं। दोस्तों, जेपी ब्लॉक मेरठ, वह माना जाता है इस जगह पर आत्माओं का वास है। यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार उन्होंने एक निश्चित समय पर आत्माओं को देखा है। उन्होंने चार लड़कों को मोमबत्ती के पास शराब पीते देखा है, और एक लड़की को लाल साड़ी में भागते हुए भी देखा है।
दोस्तों बात करेंगे हम एक बहुत ही भयानक जगह की। पहाड़ी इलाका है ये दोस्तों, डाउ हिल कर्सियांग की, दार्जिलिंग की। ऐसा माना जाता है कि एक बिना सिर का लड़का वहां घूमता है जो अचानक दिखता है और अचानक गायब हो जाता है। ये पहाड़ी इलाका कुछ अद्भुत विचित्र घटनाओं के लिए जाना जाता है। वहां के रहने वाले लोग, उन लोगों ने उन जंगलों पर एक बिना सिर के लड़के को घूमते देखा है जो अचानक से गायब हो जाता है और अचानक से दिखाई देता है। दोस्तों फिरोज शाह कोटला, दिल्ली की बात करते हैं हम। फिरोज शाह कोटला के बारे में एक बात फेमस है कि वहाँ युवतियाँ सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए वहाँ कोई लड़की कभी भी अकेले नहीं जाती है। दोस्तों ध्यान देने योग्य बात है कि वहाँ बुरी आत्माएं उन लड़कियों पर प्रहार करके उनका वध कर देती है। ऐसा भी माना जाता है कि वो उन्हें मिठाई ऑफर करते हैं और उसके बाद उनको मार देते हैं। ये वाकई सुनने में बहुत ही खतरनाक लगता है दोस्तों। दोस्तों बात करेंगे हम जतिंगा घाटी आसाम की। आसाम में जतिंगा घाटी बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्यों वाली है। पर दोस्तों जितने मनोरम यहाँ के दृश्य हैं उतना ही भयावह है ये जगह। सितंबर के महीने में हर अमावस रात को यहाँ भारी संख्या में रहस्यमय रूप से पक्षी मरते हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है ये पक्षी प्रवासी होते हैं लेकिन यहाँ से कभी वापस नहीं जाते हैं। इन पक्षियों के यहाँ आकर मरने के पीछे कारण क्या है आज तक किसी को पता नहीं चला है, लेकिन दोस्तों आज भी हर साल ऐसा ही होता है। दोस्तों एक बहुत ही भयानक जगह है, बहुत ही विद्यापूर्ण वाली जगह है। सुन के आश्चर्य लगता है दोस्तों, वो है राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। दोस्तों इंडिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय माना जाता है वो, पर फिर भी वहाँ पे अक्सर ऐसी घटनाएं होती है जो हमें सुनकर हमारे रूह तक कांप जाती है। जो गार्ड यहाँ रात में ड्यूटी करते हैं वो आपको कई बार ऐसी घटनाएं सुनाते हैं। जिन मजदूरों की मौत यहाँ इस पुस्तकालय में हुई थी उनके बारे में बताते हैं। दोस्तों काफी समय पहले एक छात्र इस पुस्तकालय में गया और उसके बाद वो फिर वहां से कभी वापस नहीं आया। कई लोग सुबह कहते हैं कि सुबह जब लाइब्रेरी खोली गई तो हर दिन की तरह काफी सारा पेपर और सामान बिखरा हुआ था। दोस्तों बात करते हैं हम गोवा की। चर्च ऑफ थ्री किंग, चर्च और भूत दोनों सुनने में बड़े अजीब से हैं, पर ऐसा ही है दोस्तों। दिल दहला देने वाली चीजें हैं दोस्तों, भूतों की कोई सीमा नहीं होती है, वो चर्च में भी जा सकते हैं। गोवा के कैंसुलिम चर्च में ऐसा माना जाता है वहाँ भूत रहते हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि कहा इस चर्च में कुछ पुर्तगाली राजाओं का मर्डर किया गया था और बाद में दो राजाओं ने आत्महत्या कर ली थी। उनकी आत्माएं आज भी वहाँ भटकती है। दोस्तों बात करेंगे हम अलयया घोस्ट लाइट्स बंगाल की। पश्चिम बंगाल में मार्सिस ने कई बार घोस्ट लाइट्स का वर्णन होता है। मछुआरों से इस बारे में आप कई कहानियों को सुन सकते हैं। उनका मानना है कि लाइट जलने के बाद आपको वहां नहीं जाना चाहिए वरना मौत निश्चित है। दोस्तों बात करते हैं हम शिमला की। दोस्तों शिमला अपने आप में बहुत ही खूबसूरत जगह है, पर उससे ज्यादा खूबसूरत है वहां की ये कहानी। दोस्तों शिमला कालका रोड पर टनल नंबर 103 स्थित है। लोगों का मानना है कि वहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई आत्माएं रहती हैं। यहाँ घंघोर अंधेरा रहता है और कई बार आपको ऐसा लगेगा वहाँ पे कि
जैसे कि कोई बात कर रहा है। कई बार लोगों ने यहाँ औरत की आत्मा को टहलते हुए देखा है। दोस्तों, अग्रसेन की बावली दिल्ली, बहुत सारी जगह है दिल्ली में दोस्तों, एक से एक भयानक बावली है। पौराणिक कथाओं में भी इसका वर्णन आता है और कहा जाता है कि जब इसमें काला पानी भर जाता है तो यह लोगों को इसमें मरने के लिए मोहित करता है। यहाँ तक कि आज भी लोग वहाँ पे सूर्य अस्त के बाद नहीं जाते। दोस्तों, बात करते हैं हम संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क मुंबई की। राष्ट्रीय पार्क और भयानक होना कुछ विरोधाभासी लगता है, लेकिन ऐसा ही है दोस्तों। कहा जाता है कि पक्षी यहाँ अक्सर बिना किसी कारण के गायब हो जाते हैं या मर जाते हैं, और उसका कारण आज तक कोई नहीं जान पाया है। दोस्तों, ताजमहल पैलेस बॉम्बे की बात करते हैं हम। कई लोग शायद ये बात नहीं जानते होंगे कि जिसने ताज होटल को बनवाया था उसी वास्तुकार की मौत इसमें हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि उसने आत्महत्या की थी क्योंकि वो जैसा डिजाइन बनाना चाहता था वो डिजाइन बन नहीं पा रहा था। तब से यहाँ आने वाले कई गेस्ट मानते हैं कि यहाँ पे अक्सर किसी की परछाई दिखाई देती है। दोस्तों, बात करते हैं हम जमाली कमाली मस्जिद और कब्र महरौली दिल्ली की। यह मस्जिद दिल्ली के महरौली में स्थित है। यहाँ 16वीं शताब्दी के सूफी संत जमाली और कमाली की कब्र मौजूद है। इस जगह के बारे में लोगों का विश्वास है कि यहाँ जिन्न रहते हैं। कई लोगों को इस जगह पर डरावने अनुभव हुए हैं। सूफी संत जमाली लोदी हुकूमत के राज कवि थे। इसके बाद बाबर और उनके बेटे हुमायूं के राज तक जमाली को काफी तवज्जो दी गई। माना जाता है कि जमाली के मकबरे का निर्माण हुमायूं के राज के दौरान पूरा किया गया। मकबरे में दो संगमरमर की कब्र है, एक जमाली की और दूसरी कमाली की। जमाली कमाली मस्जिद का निर्माण 1528-29 में किया गया था। यह मस्जिद लाल पत्थर और संगमरमर की बनी है। दोस्तों, बात करते हैं हम लांबी देहर माइंस की। लांबी देहर माइंस मसूरी में स्थित है, मसूरी के बाहरी इलाके में है। ऐसा कहा जाता है 1990 से पहले उस वक्त वहां पर करीब 50,000 मजदूर काम करते थे। कहा जाता है कि स्टोन माइंस की बीमारियों से बचने के लिए लाइमस्टोन माइंस के लिए कई सुरक्षा नियम बने हुए थे, पर देहर माइंस में इस तरह के किसी भी नियम का पालन नहीं होता था। नतीजन वहां पर बड़ी संख्या में मजदूर बीमारी से मरने लगे। इस माइंस में काम पर लगे ट्रकों के पहाड़ी से गिरने की बहुत सारी घटनाएं हुई। फलस्वरूप सरकार ने सुरक्षा नियमों को अनदेखी के कारण इस माइंस को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। दोस्तों, आज भी माना जाता है कि ये जगह वीरान पड़ी है और स्थानीय लोगों के अनुसार खाली पड़ी हुई माइंस और घर अब आत्माओं का ठिकाना है। यहाँ पर रात को लोगों के बात करने की आवाजें साफ सुनाई देती है। एक और बात है जो इस जगह को भयानक बनाती है और वो है चलती हुई कार, बस, ट्रकों का अचानक सड़क से उतर जाना, जिससे कई बार गंभीर हादसे हो जाते हैं। यहाँ तक कि या एक बार हेलीकॉप्टर रहस्यमय तरीके से क्रैश भी हो चुका है। दोस्तों, बात करेंगे हम ग्रैंड पैरोडी टावर मुंबई की। ग्रैंड पैरोडी टावर को मुंबई की सबसे हॉन्टेड बिल्डिंग माना जाता है। 1976 में इसके निर्माण के बाद इसमें से काफी बार अजीब अजीब चीजें दिखाई दी। 20 लोग इस इमारत की 8वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर चुके हैं, जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हैं। इसलिए इसे सुइसाइड पॉइंट भी कहा जाता है। 2004 में एक बुजुर्ग दंपत्ति ने यहां से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उसके 1 साल का के भीतर उनके परिवार के बाकी सदस्यों ने भी उसी जगह से कूदकर आत्महत्या कर ली। इनमें उनके छोटे छोटे पोते पोती भी शामिल थे।
इसके बाद ये बिल्डिंग सुर्खियों में आ गई और माना जाने लगा कि इस इमारत में पारलौकिक शक्तियों का बसेरा है। दोस्तों, मालचा महल दिल्ली। मालचा महल दिल्ली के दक्षिण रिज के बीड़ों में छुपा है। इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था और ऐसा माना जाता है दोस्तों कि ये महल पिछले कई सदियों से वीरान रहने के कारण खंडर हो चुका है। इस खंडर को हो चुके महल में 1985 में अवध घराने की बेगम विलायत महल अपने 2 बच्चों, 5 नौकरों और 12 कुत्तों के साथ रहने आई थी। इस महल में आने के बाद वो कभी इस महल से बाहर नहीं निकली। इस महल में बेगम विलायत खान ने 10 सितंबर 1993 को आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं कि बेगम की रूह आज भी इस महल में भटकती है। दोस्तों, एक से एक भूतिया जगह है और दिल दहला देने वाली है। दोस्तों, टावर ऑफ साइलेंस दरअसल पारसी कब्रिस्तान है। मालाबार हिल मुंबई में स्थित है। यहाँ एक खौफनाक मंजर केवल भूतिया अनुभव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उससे काफी बढ़कर है। दिन में एक से एक बढ़कर खौफनाक मंजर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पारसी समुदाय के लोग, माना जाता है दोस्तों, अपने मृत जनों का अंतिम संस्कार करते हैं। पारसी समुदाय अपने मृतकों को शव को न जलाते हैं, न दफनाते हैं, बल्कि यहीं लाकर खुले में छोड़ देते हैं और गिद्ध और अन्य मांस भक्षी पक्षियों के लिए ऐसा कहा जाता है। एक हसीन लड़की रात के समय यहाँ से गुजरने वालों से लिफ्ट मांगती है। इसके अलावा एक पारसी परिवार ने यहाँ पे आत्माओं का भी वास देखा है, जो कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। वे भी आते जाते लोगों को अक्सर दिख जाते हैं। वे लोगों को गाड़ी खराब होने के बहाने से अपनी ओर आकर्षित करते हैं और मदद की अपील करते हैं। ये दोनों ही आत्माएं यहाँ से गुजरने वालों को लोगों को नुकसान भी पहुंचाती है। दोस्तों, इसके बारे में ये बताया जाता है कि कोई भी वहां से गुजरना खतरे से खाली नहीं है और जाने अनजाने अनिष्ट को चुनौती देना है। दोस्तों, लास्ट हम बात करने वाले हैं अब फर्न हिल होटल की। फर्न हिल होटल दोस्तों ऊटी में है और दोस्तों इस होटल को अब उसकी डरावनी घटनाओं के कारण बंद कर दिया गया है। ये होटल राज मूवी के दौरान फेमस हुआ था, जब यहाँ पर मूवी की शूटिंग चल रही थी। तब मूवी के कोरियोग्राफर सरोज खान एवं क्रू मेंबर्स ने अजीब सी चीजें अनुभव की। उन्होंने सुबह के समय रूम का सारा फर्नीचर इधर उधर गिरा हुआ पाया। जब कंप्लेंट करने के लिए फोन किया तो उस वक्त फोन डेड रहा और जब क्रू मेंबर शिकायत करके वहां आए तो बाद में पता चला कि वो फ्लोर तो वहां है ही नहीं। दोस्तों, बात करेंगे हम मुकेश मिल्स मुंबई की। दोस्तों, डर लग रहा है, मुझे भी डर लग रहा है बहुत ज्यादा। 1870 में निर्मित मुकेश मिल्स अड्डा भारत में सबसे लोकप्रिय स्थानों में एक माना जाता है। कई फिल्मों की शूटिंग और मशहूर गीत जुम्मा चुम्मा भी इसी स्थान पे शूट किया गया था। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि वहां पे कई दिल दहलाने वाली घटनाएं हैं हो चुकी है और यहाँ पर एक अभिनेत्री के ऊपर आत्मा का साया है और यहाँ एक डरावने पुरुष की आवाज में बाहर की जगह खाली करने के लिए कर्मचारियों को चेतावनी दी जाती है। मुकेश मिल्स हमेशा से भारत में सबसे प्रेत बाधित स्थानों की सूची पर दिया गया है। राजकिरण होटल लोनावला। बात करते हैं हम लोनावला के। सुरम्य पहाड़ी स्टेशन में ये होटल स्थित है दोस्तों और ऐसा माना जाता है कि इस होटल के एक कमरे में बहुत प्रेत का साया रहता है। जो मेहमान कमरे में वहां रुके हैं, उनके अनुभव है कि रात में सोते हुए कमरे में अचानक हवा चलने लगती है और पर्दे उड़ने लगते हैं। दोस्तों, ऐसा लगता है जैसे कोई उनके बिस्तर से चादर खींच रहा हो।
बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, और ये कमरा इसीलिए सभी मेहमानों के लिए बंद कर दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं हम सेवाए होटल मसूरी की। उत्तराखंड 1902 में मसूरी में इसे बनाया गया था। ये इंडिया की सबसे डरावनी और भूता जगहों में से एक है। कहा जाता है कि 1911 की गर्मियों में होटल के सबसे ऊपर की मंजिल पर एक महिला गार्नेट आर्मी की लाश मिली थी। उसकी मौत किन कारणों से हुई थी उसका पता आज तक नहीं चल पाया है। ऐसा माना जाता है कि उसकी जहर देकर मृत्यु कर दी गई थी। आज भी वह अपने कातिल को ढूंढ रही है, पर उसने किसी को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। होटल में आने वाले और वहां के आसपास के लोगों को आज भी महिला की परछाई दिखाई देती है दोस्तों, और कुछ लोग तो कहते हैं कि वहां बहुत अजीब सी आवाजें आज भी सुनाई देती है। दोस्तों बात करेंगे हम वृंदावन सोसाइटी थाने की। थाने वेस्ट में मौजूद वृंदावन सोसाइटी बहुत ही भयानक सोसाइटी मानी जाती है दोस्तों, और ऐसा माना जाता है कि इस बिल्डिंग में किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली थी। यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब हरकतें होती हुई नजर आई है। एक बार की बात है कि उस बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड को इतना जोर का थप्पड़ लगा कि वो घबरा गया और दूसरी बिल्डिंग में बैठा सिक्योरिटी गार्ड वहां कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और पास में बैठे दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को फिर तमाचा लगा बैठा, ये सोचकर कि शायद उसने ही मारा है। बाद में सच्चाई सुनकर दोनों के होश उड़ गए। दोस्तों बात करते हैं हम डिसूजा चौल माहिम मुंबई की। मुंबई में कई प्रेत बाधित स्थान रहे हैं, लेकिन डिसूजा चौल कई बार सुर्खियों में आ चुकी है। ऐसा कहा जाता है कि वहां एक मृतक महिला की भावना इस चौल की गलियारी में सता रही है सबको। दोस्तों कहा जाता है उस महिला को डिसूजा चौल के कुएं के पास कई बार देखा गया है, जो अब प्रयोग में नहीं है। मान्यता है कि एक स्थानीय महिला कुएं में गिर गई थी और उसकी उसी में डूबकर मौत हो गई थी। दोस्तों इस दुर्घटना के बाद से महिला की भावना ने चौल में घूमना शुरू कर दिया है, जो आज भी कई लोगों को दिखाई देता है। दोस्तों एक से एक भयानक जगह है हमारे देश में। तो दोस्तों आज के लिए बस यही विदा लेती हूँ। डरिएगा मत, बहुत सारी हमने भयानक जगहों की बात की है। भगवान सबकी आत्माओं को शांति दे। अगर मैंने भूल चूक में कुछ भी किसी को हर्ट किया है तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ दोस्तों। बस डरिएगा मत, इसके बाद एक एक हनुमान चालीसा कर लीजिएगा। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, गुड बाय एंड जय माता दी।